अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ निखिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पिछले 8 दिनों से नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात को लेकर अड़े रहे। बकाया मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसको अगर निस्तारित कर दिया जाए तो हम साल में 3,000 नहीं 10,000 मानव दिवस देने को तैयार हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अपने धरने को और उग्र करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में विभिन्न जिलों से आए ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष और ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष निखिल कुमार सिंह ने कहा, संघर्ष कर रहा है वो भी अपने सफलता की ओर है, नेतृत्व आपके पदनाम का और विशेष सचिव से प्रतिनिधि मंडल की वार्ता मस्जिद भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनकी मांगों पर विचार करके पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संगठन अगर जो कहता है उसके हिसाब से आप लोग सहयोग करिए, सहयोग पहुंच करके संख्या जुटा करके बाकी और जो भी जरूरतें होती हैं करते रहिए। लेकिन संख्या जो लोग यहाँ नहीं आए हैं या नहीं आ रहे हैं वो लोग क्या जानेंगे संघर्ष क्या होगा। समझिए कि मैं कहीं कंपटीशन देने जा रहा हूँ, स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और गाड़ी विलंब चल रही है दो तीन घंटे गाड़ी विलंब है और गाड़ी का मैं इंतजार कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर वो गाड़ी जब आएगी तो आपको हमें लगता है उम्मीद के साथ मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस गाड़ी में आपको संभवतः एसी में जगह मिलने की भी उम्मीद है। हमारी मांगे जो है निष्पक्ष रूप से जायज है, हमारी समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको अगर निस्तारित कर दिया जाए तो ग्राम रोजगार सेवक जो आज शासन द्वारा 3,000 मानव दिवस का दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह सब चीज जितनी समस्याएं हमने आपको मांग पत्र में दी है उस समस्याओं को आप लागू करते हैं तो रोजगार सेवक एक रोजगार सेवक 3,000 मानव दिवस नहीं साल में 10,000 मानव दिवस देने को तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह कि हमारी मांग पत्र पर कार्रवाई की जाए, जैसा वार्ता में होगा पुनः आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। निखिल कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, गोरखपुर।